वो कभी मैच फिक्सिंग में नहीं फंस सकता। ये चीज तुम्हें समझ में नहीं आती? अरे मुझे क्या, तुम्हें क्या, पूरी दुनिया को ये समझ में आता है कि वो एक साफ क्रिकेटर है, कभी पैसे नहीं लेगा, कभी मैच फिक्सिंग नहीं करेगा, तो मैं कब काम आऊंगा? क्या कर लोगे तुम यार? यहीं पर एंट्री होती है इस विलन की, जो इस क्रिकेटर को तबाह करके रख देगा। मैं कुछ ऐसे करूंगा जिससे ये करण लूथरा क्रिकेटर पूरी तरह से फंस जाए। मेरा एक आदमी है जिसका नाम है संदेश, वो इसका बहुत बड़ा फैन है, ऐसा वो दिखाएगा, बहुत बड़ा फैन बनके उसके पास जाएगा। जब जब वो करण से मिलेगा तब तब मैं उनकी फोटो क्लिक करूंगा और कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करूंगा कि एक दिन संदेश के हाथों करण पैसे लेगा, मैं उस चीज की भी फोटो ले लूंगा और ये साबित कर दूंगा कि करण एक मैच फिक्सर है, उसने मैच फिक्सिंग की है, उसने सबको चीट किया है और इसी के साथ उसका करियर, उसका स्टेटस सब खत्म और उसका परिवार भी बर्बाद। तुम्हारी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। वो तुम्हारे दोस्त संदेश से पैसे क्यों लेगा? मेरी इमेजिनेशन को मैं हर बार एग्जीक्यूट भी करता हूँ। फिलहाल ना मुझे करण के पीछे जाना है और उसे वहाँ पहुँचाना है जहाँ उसकी जगह है। तुम खुद भी आ सकती थी ना मेरे वहाँ, लेकिन नहीं, तुमने मुझे यहाँ बुलाया। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स तुम तो एक सेकंड नहीं छोड़ोगी ना, एक मौका नहीं छोड़ोगी मुझे नीचा दिखाने का। शालिनी तुम एक बात ये मत भूलो कि तुम मुझे सिर्फ दो दिन के लिए नहीं जानती बल्कि 2 साल से जानती हो। ओह, तो तुम मुझे हाथ दिखाओगी? वाह, साइलेंट रिएक्शन, वेरी नाइस। तुम बकबक करना बंद करोगी? और वैसे भी जो बात मैं तुम्हें बोलने वाली हूँ ना, वो सुन के तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। क्या? करण और प्रीता एक हो गए, चाहे वो कितना भी बेवकूफ बनाए एक दूसरे को या खुद को या हम सबको, मेरी आंखों से कुछ नहीं बच सकता। और जो मुझे दिखाई दे रहा है उससे कंफ्यूजन यही निकल रहा है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। हमारा मकसद फेल हो गया, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुमने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की थी कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, तुमने कुछ नहीं किया। यू आर यूजलेस, गुड फॉर नथिंग। तो अब मुझे और पृथ्वी को तुम्हारी जरूरत नहीं है, समझी तुम? यू आर फ्री टू गो। नहीं नहीं शर्लिन, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें तो कहा था कि सारे रिलेशनशिप्स में रफ पैच आते ही है और हर कपल झगड़ा करते हैं, तो जैसे करण और प्रीता झगड़ा करेंगे और उन दोनों के बीच थोड़ा गैप आ जाएगा तो तब हम अटैक करेंगे, राइट? ठीक है, जब ऐसा कोई भी मौका आएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। अगर तुम्हें कोई और मिल गया तो मैं किसी और को बुला लूंगी। नहीं नहीं शर्लिन। करण पुत्र, कैसी रही तेरी प्रैक्टिस? सुपर्ब मॉम। गुड, तो मेरा वेट नहीं कर सकती क्या? मैं क्यों वेट करूं? जैसे तुम बड़े सेलिब्रिटी हो, मुझे अपने काम होते हैं घर में। हेलो, मैं सेलिब्रिटी हूं क्या? BCL खेलता हूं मैं। हाँ, तुम मेरे लिए थोड़ी खेलते हो, खेलते हो तो घर के लिए खेलते हो, अपने लिए खेलते हो, अपने करियर के लिए खेलते हो, ऋषभ जी के लिए खेलते हो, जैसे कि तुमने कहा। हाँ, अगर मेरे लिए कुछ करना ही है तो मेन मैच में पहले ओवर में 2 छक्के मार के दिखाना, फिर मानूंगी। ओ हेलो, यू नो हु आई एम? आई एम दी करण लूथरा। वैसे तो प्लेयर बहुत अच्छा हूं मैं, लेकिन जब कोई मुझे चैलेंज करता है ना तो आई एम दी बेस्ट। तुम देखना, मैच होने दो, अपने सेकंड इनिंग में ऐसा स्वैग के साथ खेलूंगा ना कि सब देखते रह जाएंगे। बस करो तुम दोनों, तुम दोनों की ये ईगो फाइट कुछ ज्यादा ही नहीं होती? नहीं राखी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। एनीवेज मॉम, मुझे बहुत भूख लगी है, जाके सोना है मुझे। सिर्फ 4 घंटे सोऊंगा, फिर अर्ली मॉर्निंग उठ के फिर से प्रैक्टिस पे जाना है, फिर आऊंगा, फिर सोऊंगा, फिर प्रैक्टिस पे जाना है। दिन में 2-2 बार प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं फाइनल मैच के लिए। प्रीता, प्रीता ऋषभ जी यहाँ पर नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी कहो। देखो शालिन, मेरे सामने ये सब डायलॉग बाजी नहीं चलेगी। एक मिनट, गलत बात तुमने बोली, दिल दुखाने वाली बात। शर्लिन पृथ्वी की पत्नी नहीं है, कृतिका है। सुना तुमने शर्लिन, कृतिका पृथ्वी की पत्नी है। आई एम सॉरी कृतिका, पृथ्वी गलत है, मुझे आप सबके बीच में नहीं बोलना चाहिए था। शर्लिन, आई नो शर्लिन, तुम ऐसे सॉरी बोलकर बिचारी सी बनकर बात खत्म करके यहाँ से क्यों चली गई? क्योंकि तुम अच्छे से जानती हो कि अगर मुझसे पंगा लोगी और मेरा दिमाग घूम गया तो मैं तुम्हारी पोल कभी भी खोल दूंगी, सबको तुम्हारा सच बता दूंगी। मैनेजर,
अपना होटल का रजिस्टर दिखाओ। कल रात इस होटल में कौन कौन आया था और कौन कौन इस होटल से गया, ये हमें सब देखना है, क्योंकि कल जो चोरी हुई है वो आप ही के होटल के रूम से हुई है। अभी हमें सब रिकॉर्ड दिखाओ। सर, हमारे होटल्स के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, अगर आप चाहे तो फुटेज चेक कर सकते हैं। बैल की तरह कहां भागे जा रहा है, थोड़ा आगे पीछे दाएं बाएं देख के संभल के चौकन्ना ना होके चल, उधर पुलिस है और ऊपर सीसीटीवी है, ऊपर मत देख, नीचे रुक जाओ, अभी उस रूम में मत जाना, पुलिस आ गई है, हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, जल्दी बाहर निकलो यहां से। दो मिनट सर। अरे बॉस, हमने अपना प्लान ड्रॉप क्यों कर दिया? अरे आप तो पिक्चर क्लिक करने वाले थे ना करण की। प्लान किसका है? आपका। प्लान का नतीजा अच्छा आए या बुरा, उसका असर किस पे पड़ेगा? आप पर। जब प्लान मेरा है उसका असर भी मुझ पे पड़ेगा, तो मैं ही डिसाइड करूंगा, तू नहीं, कि उस प्लान को कब और कैसे एग्जीक्यूट करना है। समझ में आया? बोल बॉस। हम पुलिस से डर क्यों, चटेल से भागे क्यों? हमने तो कुछ नहीं किया था ना। मेरा मतलब अभी तक कुछ नहीं किया ना। अरे बेवकूफ, मैं भी तो वही बताना चाहता हूँ कि जब हमने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि गलत वक्त पे और गलत जगह पे पुलिस की नजर हम पे पड़े या फिर हम पकड़े जाएं। अभी हमें प्लान एग्जीक्यूट करना है और प्लान को कामयाब करना है, पुलिस के हाथों पकड़ा नहीं जाना है। समझ में आया? समझा, लेकिन अब आगे क्या? मैं अभी भी कुछ नहीं समझ पाऊ। मुझे सब समझ में आ रहा है, तुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है, तू बस चुपचाप बैठ, मैं जो बोल रहा हूँ तू वो कर, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लूथरा हाउस के बैक साइड पे आ जा। क्या? क्योंकि बाहर मिलना सही नहीं, और मैं नहीं चाहता कि हम तीनों लोगों की नजर में आए, क्योंकि अगर दुनिया की नजर में हम तीनों आ गए तो आगे जाके मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मैं बहुत सेफ प्ले करना चाहता हूँ इस बार, क्योंकि इस बार मैं सिर्फ और सिर्फ जीतना चाहता हूँ, कामयाब होना चाहता हूँ। समझ में आया? तो तू जल्द से जल्द लूथरा हाउस के बैक साइड पे आ जा, क्योंकि जो काम हम यहाँ होटल में करने वाले थे और नहीं कर पाए, वो काम अब हम लूथरा हाउस में करेंगे। इज दैट क्लियर? जी बॉस। गुड। सर, मैंने कहा था ना, आप हर खतरे के लिए तैयार रहते हैं, जैसे ही वो लड़की आई अपने का भाग, और हम वहीं खड़े रहते ना तो सच में पकड़े जाते हैं। जितनी तारीफ करनी है ना बाद में कर लेना, फिलहाल मेरा दिमाग बहुत खराब है और वो प्रिंस भी गायब है, पता नहीं वो कदा कहा रह गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीता ने उसे पकड़ लिया? नहीं यार, अगर वो पकड़ा गया फिर मेरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। सुन, मैं अंदर करण के कमरे में जा रहा हूँ, चेक करने के लिए कि अंदर कोई है या नहीं, ताकि हम अपना काम स्मूथली कर पाए। ओके, मैं जब तक वापस ना हूं चुपचाप यहां छिपे रहना, किसी की नजर में मत आना। दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? लगता मैंने गलती से दरवाजा बंद कर दिया, मैं भी खोल के आता हूँ। बस भगवान क्या क्या दरवाजा मैंने बंद किया है, जानबूझ के बंद किया ताकि कोई अंदर आ ना सके और हमें पकड़ ना सके। दरवाजा खोल के क्या बोलेगा? करण लूथरा, प्रीता लूथरा, आइए आपके कमरे में, आपका ही स्वागत है। अरे बॉस, लेकिन दरवाजा नहीं खोलेंगे तो लोग दरवाजा तोड़ देंगे, और वैसे भी दरवाजा अंदर से बंद है, वैसे भी दरवाजा अंदर से बंद है तो उनको तो पता चल ही गया ना कि अंदर कोई है। अब देखिए, अंदर अगर वो आ गए तो हम तीनों पकड़े जाएंगे बॉस। अंदर
दस लोग इम्पॉसिबल आई मीन हम दोनों तो बाहर हैं तो अंदर कौन होगा तो फिर क्यों नहीं खुल रहा है ताने? सच कहूं ना तो मुझे याद भी नहीं कि पिछली बार मैं तुम्हें इतना कूल और काम कब देखा था सच कहूं तो मुझे भी याद नहीं है कि पिछली बार इतना कूल इतना काम इतना खुश मैं कब था इस हद तक खुश कब था मैं इस हद तक मेरा कौन सा प्लान सक्सेसफुल हुआ था मतलब इस हद तक कि जीत से पहले मुझे समझ में आ गया मुझे पता चल गया है कि इस बार मेरी जीत होने वाली है समझ में आ गया कि मेरा प्लान सक्सेसफुल होने वाला है तो बस इसी खुशी के नाम हो जाए तो जाम लेकिन बात क्या है ये तो बताओ मुझे बात यह है कि लूथरा परिवार का आखिरी वारिस यानी कि करण लूथरा पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है उसका चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाला है मैंने इस बार कुछ ऐसा प्लान किया है जिसको वो क्या पूरा लूथरा परिवार झेल नहीं पाएगा करण लूथरा के बहुत सारे हार्डकोर फैंस हैं ना जो उसके आगे पीछे दाएं बाएं घूमते रहते हैं सेल्फी के लिए वही फैंस वही लोग उसके मुंह पे थू थू करेंगे उसका परिवार उसके परिवार को बहुत गुरूर है ना इस घर के बेटे पे यानी कि करण लूथरा पे तुम देखना इस बार मैंने कुछ ऐसा प्लान किया है जिसकी वजह से यही परिवार घर से बाहर जाने में 10 बार सोचेगा पता है क्यों क्यों क्योंकि करण के जरिए सबकी बेइज्जती होने वाली है सबकी बदनामी होने वाली है उसकी बीवी यानी कि वो प्रीता उसने मुझे जेल भेजा था ना सलाखों के पीछे भेजा था जब मैं सलाखों के पीछे था उसे बड़ा मजा आ रहा था बहुत अच्छा लग रहा था उसके दिल को ठंडक और सुकून मिल रही थी ना इस बार उसका पति जाएगा जेल के पीछे सलाखों के पीछे उसका पति होगा वो जूनियर लूथरा करण लूथरा और जब वो सलाखों के पीछे होगा ना अब मेरे दिल को सुकून मिलेगा और उसके दिल को तकलीफ में होगा वो तड़पेगी और उसके साथ साथ पूरा लूथरा खानदान पूरा लूथरा परिवार भी तड़पेगा यूं समझ लो इन शॉर्ट कि निशाने पे करण लूथरा है लेकिन चोट रीता और पूरा लूथरा खानदान को पहुंचेगी सबको चोट लगेगी ऐसी चोट जिसका कोई मराम ही नहीं है तुम देखना क्यों ना ये भी हो सकता है कि इन लोगों की इतनी बेइज्जती होने वाली ना इस बार कुछ लोग लूथरा उसके बाहर काले अक्षरों में कुछ बेइज्जती भरा भी लिख के जाए और ये लोग देख भी ना वो हम सॉरी लेकिन मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है क्या प्लान किया था और क्या ही हो रहा है सब उल्टा हो रहा है तुम्हें इतनी टेंशन क्यों हो रही है क्योंकि रियलिटी सामने देखने मिल रही है ना प्रीता जब से इस घर में आई है तुम्हारे और पृथ्वी के जितने भी बने बनाए प्लान्स थे सब एग्जीक्यूट करने के बावजूद भी एक के बाद एक सब फ्लॉप हो गए उसके अशुभ कदम इस घर में पड़ते ही 2 साल की पृथ्वी की जितनी मेहनत थी उसके प्रॉपर्टीज उसके पैसे उसकी कमाई हुई इज्जत सब पानी में चला गया सब खो दिया उसने इनफैक्ट जेल से वापस आने के बाद तो इस घर का नौकर तक उसे भाव नहीं देता जो सच में पृथ्वी के लिए बहुत बुरा लगता है कोई उसे देखता तक नहीं है ऐसे रिएक्ट करते जैसे वो इस घर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है क्या सोचा था और क्या ही हो रहा है और इन सबके बीच में लूथरा स्टॉप में आ गए करण लूथरा क्रिकेट ग्राउंड पे उतर आए तुम समझ रही हो ना मतलब तुम्हें तो पता ही है कि पूरी दुनिया जानती है कि करण लूथरा कितना अच्छा क्रिकेटर है इस बार तो वो जी जान से खेलेगा पूरी मेहनत से खेलेगा क्या सपना देखा था और क्या हो गया सब चूर चूर हो गया कहां सोचा था कि लूथरा फैमिली को बर्बाद करेंगे क्या तो अपने इसमें बर्बाद हो गए मुझे खुशी है कि हम तुम्हें इस घर में लेकर आए नताशा तुम्हें कुछ हो ना हो ईमानदारी तो है हाँ मैंने माना कि प्रीता करण की क्लोज हो रही है हमारे सारे प्लान फेल हो गए लेकिन इस बार प्रीता जो कर रही है ना अपने बर्बादी के रास्ते वो खुद बना रही है पूछो कैसे कैसे जो मेरा पृथ्वी है इस बार उसने एक ऐसा प्लान बनाया जिसकी वजह से प्रीता बर्बाद हो जाएगी उसकी सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी और
क्या कहा तुमने कि करण इस बार जी जान से खेलेगा? वो सब तो तब होगा ना जब करण खेल पाएगा। शैलन लेकिन तुम शैलन तुम्हें क्या बोल रही हो? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम्हारी आंखों के सामने है सब कुछ और फिर भी तुम बोल रही हो कि करण नहीं खेलेगा? आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश मत करो, जाकर टीवी देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। और वो प्रीता बहुत बोलती है ना, उसकी बोलती बंद हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी वो। हे भगवान, करण को इतनी शक्ति देना कि आज वो बहुत ही शानदार मैच खेले, अपना खोया हुआ मान सम्मान, स्टेटस, नंबर 1 का खिताब, सब कुछ वापस जीत ले। वो कुछ कहता नहीं है लेकिन मैं जानती हूँ कि अंदर से वो बहुत घबराया हुआ है। वो होता है ना कि कई अरसे बाद किसी काम की नई शुरुआत करते हो तो मन घबराता है, डर लगता है कि ठीक से हो पाएगा कि नहीं। उसे भी वही डर लग रहा है लेकिन मुझे पता है कि वो पहला कदम बस वही उठाना मुश्किल होता है। भगवान आप उसके पहले कदम में इतनी शक्ति, इतना आत्मविश्वास भर देना कि वो मुड़ के ही ना देखे, वो इतना अच्छा खेले कि सबके लिए हीरो बन जाए। सिर्फ आत्मविश्वास ही नहीं, आपको उसका साथ भी देना है, उसके हर कदम में उसका साथ देना है भगवान। इधर लाओ पहले मुझे। अरे अरे संभाल के, संभालने का टाइम ही नहीं है मामी जी, मैच है। आई गॉट नो चिल। अरे अरे नीचे क्यों बैठ गई, ऊपर बैठना। डोंट वरी, मुझे जहाँ बैठना होगा मैं बैठ जाऊंगी। आप यू टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ प्लीज। प्रीता, कृतिका का ये मानना है कि जब करण मैच खेलता है और वो नीचे बैठती है तो करण की टीम जीत जाती है, और अगर वो ऊपर बैठी तो करण की टीम हार जाती है, इसलिए उसे जो करना है करने दे। फिर तो अच्छा है, नीचे बैठ। अरे टीवी ऑन करो ना, मैच शुरू होने वाला, जल्दी जल्दी चलो। लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता है ना कि टॉस हुआ है कि नहीं। अरे मैं तो भूल गया था, हम टॉस देखते ही नहीं है। रुको मैं पता करता हूँ, रुक रुक। हेलो, टॉस हुआ क्या? क्या है पहले? ओके 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 ओके। क्या हुआ? टॉस हो गया, पहले बैटिंग है। जय माता दी। शैलन तुम्हें क्या लगता है आज के मैच में क्या होगा? मैं तुम्हें कहा था ना कि टीवी देखोगे तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि आज क्या होगा और क्या नहीं होगा। सब कितने एक्साइटेड है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज बहुत दिनों के बाद इस घर में इतनी सारी खुशियां आई हैं। टेंस थी, लूथरास के लिए टेंस थी, नाटक कर रही थी। अब यहां पर कौन है जिनके लिए मैं नाटक करूं? तुमने देखा जैसे ही टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज आई, लूथरास का तो दिल ही टूट गया, और उन्हें देख देख के मुझे रोना नहीं, हंसना आ रहा था, मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। तुमने देखा जैसे ही न्यूज ब्रेक हुई, प्रीता स्टॉक ब्लॉक से गया, राखी लूथरा अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर दी, और वो दादी रो रो की बेहाल हो गई, और बुआ उनको तो समझ में नहीं आ रहा था, मॉम भाभी भाई क्या करे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, सबको संभालने में जो लगी थी। तो मैंने सोचा कि ये लूथरास का इमोशनल ड्रामा मुझसे सहन नहीं होगा, बोर हो गई थी देख देख के, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। रोते रोते मैं इतनी दुखी हो गई, पता ही था मुझे, पता, इसीलिए तो मैंने भी सबको दिखाया वहाँ कि हाँ शैलन बहुत दुखी है और मुझे जाके उसे संभालना पड़ेगा, इसलिए मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। सो स्वीट ऑफ यू नताशा, थैंक्स। तुम जब यहाँ से चली जाओगी मैं तुम्हें कितना मिस करूंगी। शैलन प्लीज मुझे जाने के लिए मत बोलो ना, प्लीज मुझे तो रहने दो। देखो तुम जो बोलोगी ना मैं वही करूंगी, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगी, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारी गुलाम बन के रहूंगी, बस बस प्लीज मुझे जाने के लिए मत बोलो ना।
मैं भी कितनी बड़ी ड्रामा क्वीन हूँ, भावनाओं में बहकर कुछ भी बोल देती हूँ और लोग मुझे सही मान लेते हैं। एनीवेज मुझे क्या फर्क पड़ता है, पृथ्वी को कॉल करती हूँ। बोलो। अरे क्या बोलूं, तुमने तो धमाका कर दिया। मतलब टीवी पे जैसे ही न्यूज ब्रेक हुई, लूथराज का चेहरा देखने लायक था। आई विश तुम यहाँ पर होते, मजा आ गया। उस गिल्ली डंडा प्लेयर का अरेस्ट होना तो बस शुरुआत है, तुम आगे आगे देखो होता क्या है। फेम मानना पड़ेगा, इतना फैंटास्टिक प्लान बनाया तुमने। मुझे एक बात बताओ, करण की गाड़ी में वो पैसों का बैग पहुंचा कैसे? वो भी मेरा एक प्लान था। हेलो, हाँ करण भाई, मैं पहले मैच चाबी दे रहा हूँ, आप मैच के बाद आ जाना घर। ओके, अच्छे से खेलना भाई, ऑल द बेस्ट, घर पे मिलता हूँ आपको। ओके बाय। मुश्किल था पर नामुमकिन नहीं, और तुम तो जानती हो ना, जो काम मुश्किल होते हैं वो पृथ्वी मल्होत्रा के दायाद का खेल होता है। ये जो पैसों का बैग है ना, यही करण के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गया। और वो अरेस्ट हो गया, पृथ्वी मल्होत्रा ने करण लूथरा को क्लीन बोल्ड कर दिया। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बाद में आराम से कॉल करता हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ पहुंचना था वहां मैं पहुंच गया। And don't worry, I'll keep you in the loop. Okay? Best of luck. Thank you. Bye. Luck. Luck तो हमेशा पृथ्वी मल्होत्रा के साथ रहेगा। अपने दुश्मनों के अगर छक्के ना छुड़ा दिए, उन्हें रोड पे ना ले आया, पूरी तरह से बर्बाद ना कर दिया, तड़पा तड़पा के उनकी बैंड ना बजा दी ना। वक्त, सब वक्त का खेल है भाई। ये जो वक्त है ना, कभी एक तरह का नहीं होता, कभी अच्छा कभी बुरा, ये वक्त चलता रहता है। अब देखो, कुछ दिन पहले मैं यहाँ था, मेरा बुरा वक्त चल रहा था, और अब ऐसे। करण, मैं सबसे क्या कहता था पता है, कि तुम कोई फेमस फेमस नहीं हो। मैं लोगों को कहता था कि क्यों हो तुम इसके फैन। आई टेक माई वर्ड्स बैक, तुम वाकई में बहुत फेमस हो, बहुत बड़े क्रिकेटर हो, और अब तो मैच फिक्सर भी हो। तू वाकई में बहुत बड़ा क्रिकेटर बन गया है, बहुत फेमस हो गया तू, बहुत नाम हो गया तेरा। बदनामी से ही सही, नाम तो हो गया, तो अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि बाहर की दुनिया में तेरे बारे में क्या चर्चा हो रही है। आई कांट टेल यू, बाहर की दुनिया में ना सब लोग तुझसे दूरी बना के रखना चाहते हैं, जैसे कि तू एक बीमारी है। जब तारे गर्दिश में होते ना, तब इंसान को दुनिया का असली चेहरा दिखाई देता है। अब देख कहां गए तेरे वो फैंस, वो चमकती दुनिया, सब लोग गायब हो गए, लेकिन मैं यहां आया तुझसे मिलने। क्यों? देख भले ही तू मुझे दुश्मन मानता हो, लेकिन मैं तेरी केयर करता हूं भाई, हम लोग फैमिली मेंबर्स है ना, मैं तेरा ब्रदर इन लॉ हूं, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बखूबी निभा रहा हूँ। मुझे तेरी बहुत केयर है, तेरी फिक्र है। अब देख, ये जो पुलिस स्टेशन है, ये घर से ज्यादा दूर थोड़ी है, फिर भी कौन आया यहाँ मिलने तुझसे? सिर्फ मैं। पर वो नहीं आई जिसे आना चाहिए था तुझसे मिलने के लिए, वो तेरी पत्नी, वो कहाँ है, क्यों नहीं आई? सर प्लीज। बस बस, मेरे पुलिस स्टेशन में रोने धोने का नाटक मत करो, जानता हूँ तुम्हारा पति कितना निर्दोष है। सर उसने कुछ नहीं किया है, यकीन मानिए मेरा, वो पूरी रात घर पे था, वो बाहर नहीं गया था। सर उसने कुछ नहीं किया, प्लीज छोड़ दीजिए सर। अच्छा तो सीसीटीवी फुटेज झूठ बोल रहा है? हाँ झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि उसने कुछ नहीं किया, प्लीज छोड़ दीजिए। देखिए मैं जानता हूँ आप उनकी पत्नी है, और हर पत्नी को अपना पति तो निर्दोष ही लगता है, हर पत्नी हमेशा पति की तो साइड लेती है। अरे जितनी भी बार तुम्हारे पति को पकड़ा,
तुमने हर बार उसी का साथ दिया। तुम्हारी ऐसी पत्नी की वजह से ये पति गलत काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तुम ही गलत काम का बढ़ावा देते हो। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हें अंदर का तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा मैं। निकलो यहाँ से। कुछ नहीं किया। छोड़ दीजिए सर। ए तू चला मेरे। मैं घर पे ही था। चुप। अंदर। पता नहीं ये पत्नियां अपने पतियों पे आंख बंद करके भरोसा कर लेती है। इसी अंधविश्वास के कारण ना मैंने पत्नियों के स्टेटमेंट में भरोसा करना बंद कर लिया। सर मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये पत्नियां पहले तो अपने पति को बिगाड़ती है और फिर बाद में आ जाती है उसकी वकालत करने को। मेरा पति अच्छा है ये वो। लागा काम वाला चला फटाफट। हो सर। थी फाइल आना। हो। जब मुझे पता चला कि मुझे करण लूथरा को अरेस्ट करना है वो भी मैच फिक्सिंग के लिए तो मैं खुद शॉक था। करण लूथरा और मैच फिक्सिंग। सच कहूं तो मैं करण लूथरा को पकड़ना ही नहीं चाहता था क्योंकि मेरा छोटा बेटा करण लूथरा का सबसे बड़ा फैन है। उसने आज स्कूल में ऑफ लिया है ताकि वो करण का पूरा मैच देख सके। अब जानती है मिस लूथरा वो सिर्फ आपके पति नहीं है, हमारे भी जिंदगी का एक हिस्सा है। वो लाखों दिलों की धड़कन है। इन्होंने लाखों लोगों का दिल तोड़ा है। ऐसा क्यों किया है उन्होंने? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। अब उसे जवाब तो देना पड़ेगा उसने ये किया क्यों है। अगर सच में उन्होंने ये किया है तो उन्हें सजा तो मिलेगी। मिसेस लूथरा ये बात तो मुझे आपसे कहनी नहीं चाहिए लेकिन फिलहाल मैं एंग्री भी हूँ और इमोशनल भी क्योंकि मुझे करण के कार से पैसों से भरा हुआ बैग मिला है, कुछ फोटोग्राफ्स मिले और कई सबूत मिले जो ये साबित करते हैं कि करण मैच फिक्सर है। अब आप ये भूल ही जाइए कि करण बहुत जल्द जेल से रिहा होगा। कदम फाइनल। हो साहब। मीडिया जानना चाहता है, देश जानना चाहता है, उनका फैंस जानना चाहते हैं कि क्यों उन्होंने मैच फिक्स किया, किस चीज के पैसे मिले उनकी कार में। मैम बताइए, मैम जवाब दीजिए, किस चीज के पैसे मिले हैं? आपने बिल्कुल सही कहा, करण लाखों दिलों में धड़कता है। इस कंट्री के कोने कोने में करण के फैंस हैं, जिन्हें बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए और वो जवाब मैं दूंगी।